हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सैंपल थ्योरी का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। द मीन यील्ड ऑफ ए क्रॉप एंड देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट सेट्स ऑफ प्लॉट्स इन एज बिलोंग गिवन बिलो। मीन गिवन है हमें और यहाँ पे N1 N2 की वैल्यू गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा की वैल्यूज गिवन है। टेस्ट वेदर द डिफरेंस इन मीन यील्ड ए क्रॉप ऑन द टू सेट्स ऑफ प्लॉट्स इन सिग्निफिकेंट। द डिफरेंस इन वेरिएबिलिटी इन इज सिग्निफिकेंट। सो दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, जो हमें गिवन है वो हमने सभी लिख लिया। नाउ ए पार्ट, पहले हम ए पार्ट करेंगे। द डिफरेंस इज मीन यील्ड ऑफ ए क्रॉप ऑन द टू सेट्स ऑफ प्लॉट्स इज सिग्निफिकेंट। फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, एच नॉट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एवरेज यील्ड ऑफ क्रॉप विद बोथ दी सिटीज, जिसमें हमारा μ1 इक्वल टू μ2 होता है। और H1 में क्या होता है, μ1 नॉट इक्वल टू μ2। ये सभी लाइन्स सेम होती हैं सभी क्वेश्चंस में। और यहाँ पे हम कौन सा टेस्ट यूज कर रहे हैं, टू टेल टेस्ट, जिसका फॉर्मूला क्या है, Z इज इक्वल टू X1 बार माइनस X2 बार अपॉन अंडर रूट σ1² / N1 प्लस σ2² / N2 अप्रोचेस टू, इसको अप्रोच बोलते हैं, N 0.1, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है। नाउ यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दिया। सो सॉल्व करके हमारा क्या आ गया, 5.227। यहाँ पे हमने सभी की वैल्यूज पुट कर दी तो सॉल्व करके क्या आ गया, 5.227। और हमारी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उसकी वैल्यू क्या है, 1.96। ये हमने कैसे देखना है, टेबल से, जो हमने क्वेश्चन 7 में देखा था। जैसे कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 5% मीन्स की 0.05। ये आपको पेपर में गिवन होगा। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम हम क्या लेकर चलते हैं, इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू क्या है, 1.96, तो वहां पे हमने पुट कर दी। यहाँ पे क्या आ गया, हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, ज्यादा है क्रिटिकल वैल्यू से। सो हमने यहाँ पे लिख दिया, कैलकुलेट वैल्यू इज मोर देन द क्रिटिकल वैल्यू। अगर मोर होता है तो एच नॉट क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। सो वी कंक्लूड दैट एवरेज ऑफ यील्ड ऑफ क्रॉप ऑन द टू सेट्स ऑफ प्लॉट्स आर नॉट सेम। इसका मतलब क्या है, हमारे सेट्स क्या है, सेम नहीं है और नॉट सिग्निफिकेंट। नाउ बी पार्ट में सेम हमने लिख दिया और इसका फॉर्मूला लगा दिया, जेड इज इक्वल टू σ1 - σ2 अपॉन अंडर रूट σ1² / 2N1 प्लस σ2² / 2N2। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सिग्मा मीन्स की मीन का फॉर्मूला लगाया था। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो यहां से हमने वैल्यूज पुट कर दिया जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। ये सभी वैल्यूज हमने फॉर्मूले में पुट कर दी। नाउ इसको सॉल्व करके कितनी आ गई वैल्यू, 1.6977। बट हमारी क्रिटिकल वैल्यू कितनी थी, 1.96। ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी क्रिटिकल वैल्यू से। सो हम क्या लिखेंगे, क्लियरली द नल हाइपोथेसिस एच नॉट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, हमारा लेस देन आ गया। मीन्स की ये एच नॉट की वैल्यू क्या होगी, रिजेक्ट होगी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। द डिफरेंस बिटवीन SD इज सिग्निफिकेंट। तो हमारा जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, सिग्निफिकेंट, मीन्स की सेटिस्फाई हो गया। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपने इस चैप्टर की कोई भी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन पेपर MSc का देख सकते हैं अंडर पंजाब यूनिवर्सिटी। आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।